सिद्धार्थनगर में पुलिस की कार्यप्रणाली और दर्ज मामलों के निस्तारण को लेकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हुए सर्वे में सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया थाने को पहला स्थान मिला है। इस सर्वे में 6,545 लोगों ने हिस्सा लिया था। आपको बताते चले हैं कि एडीजी जॉन गोरखपुर अखिल कुमार के निर्देश पर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इन दिनों पुलिस की कार्यप्रणाली परखी जा रही है। इस आदेश के क्रम में सिद्धार्थनगर जिले के पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने जिले के सभी थानों की कार्यप्रणाली जानने के लिए लोगों से राय मांगी थी, जिसमें लोगों को पासपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, IGRS व अन्य दर्ज मुकदमों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों को वोट करने और अपनी राय देनी थी। इसको लेकर पूरे जिले में 6,545 लोगों ने अपने फीडबैक दिए। इस फीडबैक के आधार पर जोगिया थाने को मामलों के निस्तारण में प्रथम स्थान मिला है। जोगिया थाने को मिली इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए जोगिया थाना के थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सरोज ने बताया कि उनके थाने में आए मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए, हमारे श्रीमान एडीजी गोरखपुर जोन महोदय के द्वारा ये पब्लिक से सीधे डायरेक्ट कॉल और ट्विटर के माध्यम से सूचनाएं फीडबैक ली जा रही है थानों के कार्रवाई के संबंध में। तो यहाँ की पब्लिक ने मेरे कार्रवाई को अच्छा समझा, हमारे लिए वोट किया, इनकी कार्रवाई अच्छी है, अति उत्तम पर वोट किया और उसमें हमारा थाना इस ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। ये अगर उसकी हम बात करें, कितने मामलात एक साल के अंदर कितने आए थे और कितने का निस्तारण हुआ आपने? ये देखिए, जितने एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं, जो आवेदक सीधे हमारे पास आ जाते हैं, उनका भी हम लोग एप्लीकेशन प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर में फीड किया जाता है, उनको एक उनकी आईडी भी दी जाती है, मतलब आपका इस क्रम पर आपका प्रार्थना पत्र लिया गया है और उस पर जो भी उनकी प्रार्थना पत्र में लिखा गया होता है उस पर हम लोग कार्रवाई कराते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, उनकी मांगों को उचित है तो पूरा करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये पूरा हो जाता है तो एक हमारा फीडबैक अधिकारी थाने लेवल से उनके उनके नंबरों पे बात करता है। अगर वो बताते हैं कि हम अपने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं तो ठीक है, रजिस्टर में अंकन हो जाता है। अगर वो बताते हैं कि हम संतुष्ट नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।